हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएम लखनऊ काइट्स। और वीएम लखनऊ काइट्स में आप सभी का स्वागत है। आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। जैसा आप लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखिए। आजकल थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, बैक में थोड़ा सा पेन चल रहा है, इसलिए मैं काइट शॉप के वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ला पा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं ठीक हूंगा, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव वीडियो लेके आऊंगा। फिलहाल मेरे पास जो नए मांझों का मैंने ख़रीदे थे, उनका मैं रिव्यू लेके आ रहा हूं आपके पास। और पिछला वीडियो मैंने आदिल गोल्ड का दिया था आपको, काफ़ी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा मांझा था, जो उसमें क्वालिटी मुझे लगी वो अच्छी थी काफ़ी। और इसी कड़ी में एक और मैं नया मांझा लेके आया हूँ, और आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बाबर के नाम से है, और ये मांझा भी मैंने यूज़ किया है। और आपको बता दूँ कि जो भी मैं मांझे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे फेवरेट मांझों में से एक ये मांझा हो गया है, क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी डोर बनाई है। तो इसके मेकर जो हैं, ये बाबर के नाम से मांझा है, बाबर ही इसके मेकर हैं, बाबर उर्फ आरिश खान, ऐसे आप लोग देख लीजिए। और इनका मोबाइल नंबर भी इस पे डिस्प्ले हो रहा है, और ये मोबाइल नंबर यहाँ भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और टाइम नहीं ख़राब करूंगा, आपको बताऊंगा। 1-2-3 पे बनी डोर है, 6 कॉर्ड है, मैदान के लिए उपयुक्त डोर है ये। आप मैदानी स्पेशल मैदानी मांझा इस पे लिखा हुआ है। और ये डोर जो मैंने यूज़ की है, तो मैं आपको दिखाता हूँ डोर। आप लोग इसको देखिए, ये डोर में आपको बताऊं, बहुत बारीक कांटा लगाया गया है, बहुत ही बारीक और बहुत ज़बरदस्त कांटा। बारीक होने के साथ इसमें कांटा बहुत अच्छा लगा है, और बिल्कुल ब्लेड जैसी ही धार। जब ये मांझा आपके हाथ में आएगा तो आपको पता चलेगा। और जो मैं क्वालिटी बताता हूँ डोर में, आप लोग देख सकते हैं ऐसे कि डोर का टेम्पर बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन टेम्पर है। और ये देखिए, डोर का टेम्पर बहुत अच्छा है। डोर में जो जो क्वालिटी एक अच्छी डोर में होनी चाहिए, कि डोर महीन और महीन कांटा है, तो महीन कांटे का एक बेहतरीन यूज़ होता है, जो लंबे पेंचों में आता है। क्योंकि जो बहुत मोटे कांटे होते हैं, वो फिर उतना अच्छा वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे हवा कम है तो उतना बढ़िया काम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो डोर होती हैं, ये कम हवा हो चाहे तेज़ हवा हो, ये दोनों में बहुत अच्छा काम करती है डोर। और डोर में जो क्वालिटी है, ये एक नंबर क्वालिटी की डोर बनाई है। और इसकी कीमत जो है वो 850 रुपये के आसपास है। ये 6 रील का चरखा है, और थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का चरखा लगाया है, थोड़ा लंबा चरखा है इनका। अब मैं पूरा जब चरखा यूज़ करूँगा तो मैं बताऊँगा इसमें। और डोर की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी है। 850 रुपये दाम में जो क्वालिटी प्रोवाइड कराई गई है, ये बहुत अच्छी है और बेस्ट है। ये मैं एक और चरखा मैंने जहाँ से, ये गोल दरवाज़ा लखनऊ में, गोल दरवाजे के पास राजा काइट सेंटर के नाम से शॉप है, और ये मांझा ज़्यादातर उनके ही पास आता है। आपको जल्दी मार्केट में ये सब जगह नहीं मिलेगा, तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा। और मुझे लगता है कि ये जो भी ट्राई करेगा, वो परमानेंट अपने पास, अगर शौकीन है आप, तो परमानेंट आपके पास इसकी डोर होगी, क्योंकि ये बहुत शानदार डोर है। जो 3000 रुपये की डोर में काम होता है,
वो ये 1600-1700 रुपये में आपको जो डोर दे रहे हैं बिल्कुल सेम क्वालिटी मिलेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने इससे लड़ाया है पेंच, और खींच के पेंच में बहुत बढ़िया वर्क कर रही है डोर। तो और डोर में सारी वो क्वालिटी है जो एक अच्छी डोर में होती है। डोर का टेम्पर बहुत अच्छा है, डोर महीन है, डोर में कांटा भी बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है, ताकि आप अगर खींच के लड़ाना चाहेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी डोर। और महीन कांटा है तो आप अगर इसको फंसाना चाहेंगे तेज़ हवा में तो फंसा के भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी ये। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया है ये मैं इसलिए आपसे इसको कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत डोर पसंद आई है। मैं एक और चरखा लेके इसका कलेक्शन में अपने रखूँगा किसी कलर का, क्योंकि ये ब्लैक डोर है और मेरे पास ब्लैक डोर बहुत सारी ही हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक आध कलर डोर भी रहे। तो मैंने भाई से कहा भी था कि कोई कलर डोर आए तो, लेकिन उनके पास जैसे स्टॉक आता है, मैं 2 बार फ़ोन कर चुका हूँ, तुरंत सेल हो जाता है। जो भी इसको ले जाते हैं वो परमानेंट यूज़ करते हैं इसको। और आप लोग भी चाहें तो राजा काइट सेंटर राजा बाजार में है, सॉरी राजा बाजार नहीं है, ये गोल दरवाजे के पास है राजा काइट सेंटर, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मैं भाई का स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले कर दूंगा, आप लोग चाहें तो वहाँ से ये मांझा परचेज कर सकते हैं और आपको निराशा नहीं होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्योंकि जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ, मैं खाली मांझे का रिव्यू नहीं देता, क्योंकि जो मुझे अच्छे मांझे लगते हैं मैं उसी का कलेक्शन अपने पास रखता हूँ, और ये मांझा एक अच्छे मांझों में है। ये आपके कलेक्शन में होगा तो आपको नो डाउट खुशी होगी, इस मांझा निराश नहीं करेगा आपको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, और जैसे ही मैं ठीक होऊंगा दोस्तों और अट्रैक्टिव वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, किसी अच्छी शॉप का वीडियो लेके आऊंगा जहाँ पे पतंगे और अच्छे मांझे होंगे। सर्च करता रहता हूँ कि कुछ आप लोगों के लिए नया लाऊं, कोशिश रहती है मेरी कि कुछ ना कुछ अच्छा वीडियो बनाऊं, और आप लोग ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। क्योंकि इस समय मैं स्वस्थ नहीं हूं, लेकिन मैं वेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा वेट कराना भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं अब थोड़ा बैठने लगा हूं। नहीं तो मैं बेड पे ही लेटा हुआ था, तो मैंने कहा जब बैठ रहा हूं तो थोड़ा सा बैठ के आपको रिव्यू ही दूँ। अगला रिव्यू मेरा फिर किसी मांझे का होगा, मेरे पास अभी कलेक्शन में एक दो मांझे और हैं। एक स्पेशल मांझा है जो, जैसे ये स्पेशल है जो बाबर है, ये सब जगह आपको नहीं मिलेगा, ऐसे ही एक और स्पेशल मांझा है और उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा और उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।